सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये बात कही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और इंडिया के लिए स्पेस और डिफेंस के फील्ड में बहुत ही ज्यादा काम करने के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन का नाम भी दिया गया। इस कहानी की शुरुआत हुई 1931 से, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिन जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है, उनका जन्म तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ, जो उस समय मद्रास में हुआ करता था, मगर आज के समय वो तमिलनाडु में है। इनके पिता जैनुल अब्दीन एक बोट ओनर थे। इनकी माता आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। इनके पिता अपनी बोट से हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम से धानुषकोडी और धानुषकोडी से दोबारा रामेश्वरम लाया करते थे, और इन सब से ही उनका घर का गुजारा होता था। सारे भाइयों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे और इनकी एक बहन भी थी। इनके पूर्वज बहुत ही अमीर हुआ करते थे, जो सब अपनी बोट्स के द्वारा श्रीलंका और बाकी सब जगह सामान भेजने का काम किया करते थे। मगर पंपन ब्रिज के खुलने के बाद उनकी फैमिली का काम कम होता चला गया और वो दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। और अब्दुल कलाम का बचपन आते आते तक उनका परिवार पूरी तरह गरीब हो चुका था। और इन सब के कारण नौबत ऐसी आ गई थी कि अब्दुल कलाम को अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना पड़ रहा था, ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे, मगर इनके टीचर्स इन्हें हमेशा एक हार्ड वर्किंग और ब्राइट स्टूडेंट ही कहा करते थे। इन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन रामेश्वरम के लोकल स्कूल से ही ली, और अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में भी एडमिशन लिया। सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई करने के बाद 1955 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन लिया। वहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मगर वहाँ के प्रिंसिपल उनकी मेहनत से खुश नहीं हुए। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्कॉलरशिप कैंसिल करने की धमकी देते हुए उस प्रोजेक्ट को 3 दिन में खत्म करने के लिए कहा, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उस प्रोजेक्ट को अगले 3 दिनों में खत्म भी कर दिखाया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इतनी मेहनत देखकर उनके डीन ने भी उनकी तारीफ की। और मद्रास इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 1960 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस को ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पर अपने करियर की शुरुआत उन्होंने भारतीय वायु सेना के लिए एक होवरक्राफ्ट बनाकर किया। मगर वो अपने काम से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि डीआरडीओ में एक ही काम बार बार दोहराना पड़ता है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नई नई चीजें सीखने में हमेशा विश्वास किया करते थे। और डीआरडीओ में कुछ समय नौकरी करने के बाद 1986 में उनका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में ट्रांसफर हो गया, और वो वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के डायरेक्टर थे। और उन्होंने उस काम को बड़े अच्छे तरीके से निभाया, और अपने उस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद एपीजे अब्दुल कलाम समझ चुके थे कि यही काम वो अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उस मिसाइल लॉन्च के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और भारत को एक महाशक्ति बनाने में उन्होंने भारत के लिए अनेक मिसाइलें बनाई। इसरो में इतना अच्छा काम करने के बाद 2002 में राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट चुना गया, और 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, और वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद ऐसे प्रेसिडेंट बने जिन्हें प्रेसिडेंट पद के साथ साथ अपनी जिंदगी में भारत रत्न भी मिला है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की। और 2007 में अपने प्रेसिडेंट पद को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय दूसरे बच्चों के साथ बिताना शुरू कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी सारी जिंदगी दूसरे लोगों की मदद करने में बिता दी। और 27 जुलाई 2015 को जब वो शिलोंग में अपना एक मैसेज डिलीवर कर रहे थे, उस समय उन्हें हार्ट अटैक आया, और रात को 7:45 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम पैदा होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि जब बारिश आती है तो सारे पंछी छुपते हैं, मगर एक बाजी ऐसा होता है जो बादलों के भी ऊपर उठता है। आज की वीडियो बस इतनी थी। वीडियो को लाइक कर बिना तो कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के आइकन को भी जरूर दबा देना। इंस्टाग्राम पर भी हम लोगों को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।